राम निवास महाविद्यालय चित्तकोट फरकाबाद के स्टूडेंट्स ध्यान दें, वोकेशनल बीए बीएससी सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। शेरपा साहू जी महाराज विस्तार से संबंधित स्टूडेंट्स, हर हालत में जो शेरपा साहू जी महाराज ने आईआईटी कानपुर की टीम के साथ मिलकर के एक वेबसाइट बनाया है साइबर सिक्योरिटी कोर्स के संबंध में, उस साइबर सिक्योरिटी कोर्स के संबंध में वीआईपी क्वेश्चंस मैं भेजने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप लोग उसको बताए हुए लिंक के अनुसार अपनी जो आपका ईमेल आईडी है रजिस्टर्ड उसके द्वारा और उनके बताए हुए लिंक पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसमें दिए हुए जो मॉड्यूल्स हैं ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए सिलेबस में साइबर सिक्योरिटी के उनको स्टडी कीजिए। इनकमिंग वॉइस। साइबर सिक्योरिटी के उस कोर्स को रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास उसमें जो लिंक खुल के आएगा उसमें माई सिक्योरिटी के संबंध में साइबर सिक्योरिटी के संबंध में, तो उसमें उस दोनों जो आपका थ्योरी पार्ट है और साथ में वर्चुअल लैब है उसको आप स्टडी कीजिए और दोनों जगह पर एक्टिविटीज़ को ओके कीजिए। मॉड्यूल्स में जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसका एक उन्होंने पेपर बना रखा है मॉड्यूल में, तो उस एग्जामिनेशन के संबंध में उसमें एक सर्टिफिकेट आएगा। अगर आपने 60% क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिए तो आपको उसका सर्टिफिकेट आएगा, तो सर्टिफिकेट को प्राप्त करने की हर मॉड्यूल में जो क्विज होगा उसका क्वेश्चन बना होगा उसको पढ़िएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, उस पर आपके पास सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। वो सर्टिफिकेट की कॉपी आप मेरे पास लेके आइए, वो आपके रिकॉर्ड में मैं रखूँगा। तो किसी भी तरीके की थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स कोई भी लापरवाही ना करें, चाहे ये बीए के हो चाहे बीएससी को, उनके लिए कंपलसरी है। और अगर वो थ्योरी और प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो वो बैक पेपर के भागी होंगे और बड़ी तकलीफ़ होगी ये बहुत आपके लिए। तो प्लीज़ बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हो, और साथ में मैं डॉक्टर त्रिपाठी सर नाम के इस यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ, जब भी मैं लाइव में आऊँ तो आप लोगों की ये ड्यूटी होगी कि लाइव स्ट्रीम को आप ज़रूर ज्वाइन करें। जो भी आपकी क्वेरीज है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, तो ये कार्य भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे का किसी भी फर्स्ट सेमेस्टर का हो चाहे थर्ड का हो या फिफ्थ का हो, अगर समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो प्रवेश पत्र नहीं आएगा, परीक्षा नहीं दे पाएगा। टाइम निकल चुका है, फिर भी अभी वेबसाइट खुली हुई है तो एक दो दिन में आप लोग आइए, आज भी आ सकते हैं कल भी आ सकते हैं, और जो भी परीक्षा शुल्क है वो आप जमा कर दें। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, तो ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है, आपकी लाइफ का मामला है तो आप ही को समझना है। तो अपने सर की बात को मानिएगा, और हमारा विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, आपके कॉलेज के सर भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत कीजिएगा। और साथ में बता दूँ, जिनके बेटियों के माता पिता या भाई बहन हैं जो भी हैं बड़े, वो अपनी बेटियों को मोबाइल स्टडी के लिए ज़रूर दें और इंटरनेट उसमें ज़रूर रिचार्ज कर दें। साथ में ये एक दो महीने की बात है, ये परीक्षाएं निपट जाएं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स के लिए कॉलेज आइए और अपने रिकॉर्ड्स जमा करवाइए, तैयार कीजिए, और फीस पूरी जमा कर दीजिए, फीस में कोई कोताही ना रखें। परीक्षा शुल्क भी आपका जमा होना है, प्रैक्टिकल लैब का भी पैसा जमा होना, सभी जमा होना है। तो अब चूँकि परीक्षा का बिल्कुल एकदम सर पर कार्य है, तो अब मंडे को आप लोग मुझे मिलिए और अपने आप को तैयार कीजिए, मैं आपके साथ हूँ हर समय। और कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप पर, और जिसका नंबर नहीं है कहीं से तो मेरे को स्पेशल व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर अपना नया नंबर जो भी हो वो सेव करवा दें मुझे, और बता दें उसमें व्हाट्सएप पर मैसेज देके कि इसको आप ग्रुप में जोड़ दीजिए। और साथ में जिस व्यक्ति का भी अगर बैक पेपर हैं तो बैक पेपर के संबंध में भी मेरे को इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर दे दें,
तो मैं एक रजिस्टर में नोट कर लूँगा और उनको बता दूंगा जब भी बैक पेपर की डेट आएगी। और इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम और जिन स्टूडेंट्स ने अभी अपने सब्जेक्ट्स नहीं समझे उनके सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं, मंडे को मेरे को फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे जिनको रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना है वो भी आएँ और अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड भी जमा करें कंप्यूटराइज टाइप करा करके, और उसमें कोई कोताही ना बरतें। और जो सब्जेक्ट हैं उसमें शिक्षा शास्त्र पाँचवें सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, और इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट है आपके पास, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, गृह विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है और भौतिक विज्ञान है। तो ये बच्चे इन सब्जेक्टों के प्रोजेक्ट और रिसर्च के लिए जो एक प्रोजेक्ट बनेगा वो उसकी एक कंप्यूटराइज फाइल बनेगी, वो स्पायरल बाइंडिंग पर होगी, वो विद हार्ड कॉपी विद सॉफ्ट कॉपी जमा करेंगे। कोई भी समस्या आती है उसके लिए आप अपने सर से संपर्क कीजिए आके, और अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड पे बिल्कुल दुरुस्त रहिएगा, और जो भी समस्या और भी पूछना है कुछ भी बात तो आप मेरे से मंडे को पूछ सकते हो। तो गुड लक बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। जय हिंद, जय भारत।